इट्स वेलकम टू पार्ट टू ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर एट इज है फर्स्ट ऑफ ऑल आउट योर मैक्स टेक्सट बुक पेज नंबर हंड्रेड एंड फोर्टीन पंपकिन एंड टोमैटो पंगा. एक दिन हुआ पंपकिन और टोमैटो के बीच में पंगा. दिस इज द प्ले ग्राउंड विट टोमैटोज कम टू प्ले एवरी डे ये एक प्ले ग्राउंड है जहाँ पर टोमैटोज हर रोज खेलने आते हैं दे लव प्लेइंग ऑन द सी सो वन डे अग पम्पकिन कम्स इन सिट्स ऑन वन साइड ऑफ द सी when he does not get up for a long time the tomatoes decide to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off उन लोगों को सीसो पर टोमेटोज को सीसो पर खेलना बहुत पसंद था पर एक दिन क्या होता है एक बड़ा सा पम्पकिन आता है और वो सीसो के एक साइड पर आकर बैठ जाता है वो बहुत देर तक बैठा रहता है तब टोमेटोज डिसाइड करते कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा जिससे ये पम्पकिन वो सीसो से गिर जाए ऐसा टोमेटोज डिसाइड करते हैं द लिटिल टोमेटोज स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन टू द अदर साइड वन टू थ्री फोर फाइव ऑन टू ट्वेंटी फाइव हाँ द पंपिन इज स्टिल सिटिंग ऑन एंड लाफिंग वो जो टोमेटोज थे वो छोटे थे लिटिल टोमेटोज थे तो वो एक एक करके इसे जंप करके सीशों पर क्लाइंब करने लगे फर्स्ट लिटिल टोमेटो क्लाइम किया सेकेंड लिटिल टोमेटो थ्री थर्ड लिटिल टोमेटो ऐसे करते करते ट्वेंटी फाइव लिटिल टोमेटोज भी वो सीशो के एक साइड पर चढ़े तो भी वो पम्पकिन वहाँ से गिरा नहीं और वो पम्पकिन अभी भी एक साइड पर बैठा और जोर जोर से हंसने लगा सो द बिग टोमैटोज डिसाइड टू हेल्प द लिटिल वन्स गेट डाउन एंड मेक अ वे फॉर दैट फैट वन वन टू थ्री फोर ट्वेंटी बिग टोमेटोज साइड में खड़े देख रहे थे कि लिटिल टोमेटोज परेशान हो रहे तो बिग टोमेटोज ने डिसाइड किया कि वो अब सीसो के दूसरे साइड पर चढ़ेंगे तो वो लिटिल टोमेटोज को कहते तुम लोग उतर जाओ हम चढ़ते ऐसे करते करते फर्स्ट बिग टोमेटो सेकेंड बिग टोमेटो थर्ड बिग टोमेटो फोर्थ बिग टोमेटो जैसे जैसे तक टेन्थ तक आए तो धीरे धीरे वो पम्पिन कैसा होने लगा ऊपर होने लगा और जैसे ही ट्वेंटी बिग टोमेटोज़ सीसो के एक साइड पर हो गए तो क्या होता है वो पम्पकिन हवा में उछल कर नीचे गिर जाता है और वो सारे टोमेटोज जोर से चिल्लाते हो रे तो कितने बिग टोमेटोज़ एक साथ सीसो के साइड पर आए तो पम्पकिन ऊपर हुआ तो ट्वेंटी बिग टोमेटोज़ ओके सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है हंड्रेड एंड सिक्सटीन पेज पर हमारी ये एंट ने हमसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी स्मॉल टोमेटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन अप कितने स्मॉल uh, टोमैटोज uh, uh, साथ आएंगे तो वो पम्पकिन ऊपर होके गिर ऊपर हो जाएगा लिफ्ट अप हो जाएगा तो अगर नोट किया होगा तो बिग टटोज़ कितने ही हुए थे ट्वेंटी जब बिग टोमेटोज़ ने क्लाइंब अप किया था तो पम्पकिन अप हो गया था तो ये स्मॉल टोमैटोज़ है राइट right? तो स्मॉल टोमेटोज हमें कितना चाहिए रहेगा बिग टोमेटो का डबल राइट right? तो ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी एग्जैक्टली राइट फोर्टी तो हमारा आंसर क्या होगा फोर्टी स्मॉल टोमेटोज़ हमें आ, सीसो के एक साइड में चाहिए जिससे पम्पकिन लिफ्टअप हो जाए हम बस यहाँ पर फोर्टी पर एक स्मॉल सा टिक कर देंगे अब हमें यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन कितने बिग मैंगोज़ एक पम्पकिन को बैलेंस कर सकते हैं तो यहाँ पर हम बिग मैंगोज़ को कंपेयर करेंगे किस से बिग टटो से तो कितने बिग टोमेटोज़ हमें चाहिए थे ट्वेंटी एक पम्पकिन को बैलेंस करने के लिए हमें ट्वेंटी टोमेटोज़ चाहिए थे तो वैसे ही कितने बिग मैंगोज़ चाहिए रहेंगे ट्वेंटी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पंपकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा ट्वेंटी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पंप किन अब हमें येस करना है हाउ मैनी पंपकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन दीशो कितने पंपकिन्स हम मतलब आपको बैलेंस कर सकती है सीशो में एक्चुअली एक ही पंप किन का वेट ना टू थ्री के जीज हो जाता है तो कितने होंगे लाइक थ्री और फोर या टू और थ्री पम्पकिस एक साथ आ जाए तो वो हमें बैलेंस कर लेंगे यहाँ हम एक और क्वेश्चन है नेम सम ऑफ योर क्लासमेट हु यू थिंक वे आपको यहाँ पर कुछ अपने क्लासमेट्स का नाम लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलमोस्ट द सेम एज़ यू ऐसे फ्रेंड जो आपके लाइक उनका वेट और आपका वेट सेम हो वजन वेट यानी वजन आपका और उनका वेट सेम हो तो आपको उनका नाम यहाँ लिखना है सेकेंड क्वेश्चन मोर देन यू जिनका वेट आपसे ज़्यादा हो आपका ऐसे फ्रेंड जिनका वेट आपसे ज़्यादा हो तो उनका नाम आपको यहाँ लिखना है और लेस देन यू ऐसे क्लासमेट जिनका वेट आपसे कम हो तो आपको उनका नाम यहाँ पर लिखना है तो आप अपने क्लासमेट्स का नाम इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे और लास्ट क्वेश्चन इस पेज पे ये है हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट आपको आपका आर्म स्ट्रेट रखना है सीधा रखना है और आप कितनी बुक्स लिफ्ट कर सकते हो ये है क्वेश्चन आपको आपका आर्म स्ट्रेट रखना है हाथ स्ट्रेट रखना है और बुक्स उठानी है तो आप कितनी बुक्स उठा सकते हो दैट इज द क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन अगर वो सिंपल नोटबुक रही जैसे अभी हमारे पास है तो हम टू या थ्री बुक्स को उठा सकते हैं स्ट्रेट एम में अदरवाइज अगर टेक्स्ट बुक रहेगी तो हम सिर्फ एक तो हम वो नोटबुक को कंसीडर करते हुए आंसर करेंगे कि हम थ्री नोटबुक्स स्ट्रेट आर्म रख के एक टाइम पर उठा सकते हैं ओके सो दिस वाज द पार्ट टू ऑफ योर एक्सप्लेनेशन काइंडली मूव टू पार्ट थ्री